जीतती है तो कन्वीनियंटली ये कह देना कि भाई एमआईएम जिम्मेदार है। अरे एमआईएम को जिम्मेदार कहां का खड़ा कर देंगे आप? अगर किसी एक नेशनल पार्टी का लीडर छुट्टियां मनाने चला जाता है अपनी पार्टी के फाउंडेशन की डे के दिन, तो क्या मैं उसका जिम्मेदार हूं? अगर कोई 50 साल क्रॉस कर लेता है और अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस नहीं है तो मैं जिम्मेदार हूं? अरे किसी कांग्रेस के लीडर के घर में अगर सुबह 3:30 बजे मुर्गा नहीं पुकारेगा तो हम जिम्मेदार हैं? किसी के घर में भैंस और गाय दूध नहीं देगी तो क्या ओवैसी वहां से गया था कि जिसके बिना पर दूध नहीं दिया जा रहा है? अरे आपकी नफरत है ये, आप ये समझते हैं कि भारत का बाइज्जत शहरी मुसलमान किसी एक पार्टी का होस्टेज है? किसी का भी नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। और जब हम मुसलमानों के एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस देकर बात करते हैं, मैं आपको, क्योंकि ये प्रोग्राम मुख्तलिफ है, किसी एक दिन आप टीएमसी के आदमी को बुला लीजिए, मैं एम्पिरिकल डेटा के साथ बता दूंगा कि टीएमसी ने मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन किया है बंगाल में। पूरी लीडरशिप आपके पास, आपने क्या दिया मुसलमानों को? क्या उनका एजुकेशन स्टेटस या उनका लिटरेसी या उनका कुछ बड़ा है? एक एक डेटा मेरे पास है। पर असदुद्दीन ओवैसी